50 सालों तक बेड़ियों में बांध कर रखा गया, ये दर्द भरी कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो आइए जानते हैं इस दर्द भरी कहानी के बारे में। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आपके होश तो उड़ ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको तकलीफ भी होगी। ये है इंसानों द्वारा जानवरों पर किए गए जुल्म की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक हाथी की जिसका नाम राजू है। इस बेजुबान जानवर पर इंसानों ने इतना जुल्म किया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि यह मामला उत्तर प्रदेश का है जहां एक हाथी को 50 सालों तक बेड़ियों में जकड़ कर रखे जाने का बेहद चौंकाने वाला वाक्या सामने आया है। दरअसल इस हाथी को 50 सालों तक इसके मालिक ने मोटी मोटी जंजीरों में बांध कर रखा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस हाथी के पैरों में मोटी मोटी बेड़ियां बांधी गई हैं। हाथी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। महावत ने इस हाथी को न सिर्फ बेड़ियों से बांध कर रखा बल्कि उसके ऊपर बेहद जुल्म भी किए। बताया जा रहा है कि किसी ने इस बात की जानकारी यूके में जानवरों के लिए काम करने वाले एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दी, जिसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग भारत आए और इस मामले में दखल देते हुए हाथी को महावत की कैद से मुक्त करा दिया। यूके के ऑर्गेनाइजेशन के प्रयास से आजाद हुए इस हाथी को मथुरा के एनिमल केयर सेंटर में भेज दिया गया है। ये बात भी सामने आई है कि महावत इस हाथी को भूखे पेट रखता था। आपको बता दे कि राजू लगभग 27 लोगों का गुलाम रह चुका है और उसके हर मालिक ने उसे बेड़ियों में जकड़ कर ही रखा। यहाँ तक कि राजू को खाना भी नहीं दिया जाता था। मजबूर राजू प्लास्टिक खाने लगा था। मथुरा आकर राजू अब पूरी तरह से खुश है। तो इस दर्द भरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।